हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यार, आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम आपको मतलब थोड़ा एक अजीब ही चीज़ दिखाने वाले हैं। पता हमें भी नहीं उस चीज़ के बारे में वो क्या है, उसको हम थोड़ा मतलब आपको यूज करने लायक बनाकर दिखाएंगे। देखिए चीज़ क्या है यार, ये है हमारे पास और ये पता नहीं ये कोई मशीनरी का सामान है, जानते हम भी नहीं इसके बारे में क्या है। तो गाइस क्या है कि हम ना अपना यार कोई सामान ढूंढ रहे थे, तो हमें सडनली ये चीज़ मिली, ये पता नहीं क्या है। तो सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दें और आप लोगों से ही पूछ लें कि ये है क्या। पहले तो मैं इसको आपको दिखा दूँ कि इसका यूज़, देखो इसमें एक इस टाइप से एक हैंडल सा लगा हुआ है। इसको जब हम घुमाते हैं ना, देखो अभी तो ये घूम नहीं रही है, मतलब बहुत ही पुरानी है। शायद ये हमारे दादा उदा के ज़माने की होगी, उनकी शायद परदादा के ज़माने की भी हो सकती है, पता कुछ नहीं है। और इसमें एक यहाँ पर होल भी है शायद, देखो देखो ये मिट्टी विट्टी में हो रही है। तो गाइस पहले हम इसको जो है ना मतलब यूज़ करने लायक कंडीशन में लेकर आते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका क्या यूज़, मतलब पता हमें नहीं है क्या यूज़ होता है, लेकिन कोशिश करेंगे जानने की कि किस काम में आ सकती है। तो गाइस पहले जो है ना, सबसे पहले हम क्या है कि ये डीजल है, इसके डीजल की मदद से इसको अच्छे से मतलब वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं। उसके बाद जो है ना, हम इसकी जो है ना ये जंग जो है इसकी, इसको हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको पूरा यूज़ में लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, ये डीजल डाल लिया मैंने इसके ऊपर, इसको अच्छे से वॉश करते हैं हम। तो गाइस ये देखिए, आप ये थोड़ा थोड़ा वर्क करने लगा, देखिए ये घूमने लगा, पहले ये घूम नहीं रहा था कंडीशन, जैसे हमने इसके ऊपर डीजल डाला उसको वॉश किया डीजल से, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये घूमने लगा। अभी हम इसको इसकी जंग भी हटाने की कोशिश करते हैं, बाकी आप देखते रहिए कि ये क्या चीज़ है और क्या एंड में ये होता है। गाइस मैं देख लो इसको ना अच्छे से और मतलब इसको और अच्छे से हम साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको बिल्कुल मतलब ये यूज में लाने लायक कंडीशन में इसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा के यूज हो सके अच्छे से। तो गाइस देखिए ये जो है ना, अब देखो कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है, देखो है। अब हम इसके ऊपर की ना जंग भी, ये जंग जो लग रही है इसको भी हम हटाने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं इसको हम खोलने की। देखो ये शायद घूम रहा है, यहाँ से खुल भी जाए तो इसको हम बाहर खोल के भी देखते हैं। तो फिलहाल मैं अभी तो हम इसके इसको देखो खुल रहा है, देखो मैं इसको आपको खोल कर भी दिखा दूँ। यार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि इसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, क्योंकि हम भी इसका इसको यूज में ले सके, हमारे भी शायद किसी काम में आ जाए, इसलिए हमने आपको ये वाला वीडियो बनाकर दिखाया है ताकि हमें पता चल सके। ये तो बहुत बता दें, देखो ये इस टाइप का यार लट्टू टाइप का निकला और ये भी अब भी देखो यहाँ से भी अलग हो गया और इसके अंदर देखो आप कितनी जंग है। अब इस जंग को हटाने की कोशिश करते हैं, उसको हम कैसे हटाएंगे वो उसमें थोड़ा हम साइंस का यूज करेंगे और फिर उस जंग को हटाकर दिखाएंगे, बिल्कुल इसको वर्किंग कंडीशन में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस देखो मैंने इसको जो है ना, हमने इसको ओपन कर लिया, देखो यहाँ से भी मैंने इसको एक पेज यहाँ से हमने ये खुल भी गया ये है। अब देखो ये जो है ना, ये देखो इसके अंदर ये हमने खोलने के बाद ये कुछ इस टाइप से खुली है, देखो आप देख सकते हो ये है। तो अब क्या है कि अब हम इसकी जंग हटाने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने ये डीजल में डाल के अच्छे से धो लिया है, अब इसको पहुंचने के बाद इसको जंग हटाएंगे और जंग कैसे हटाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक मिनट को। तो गाइस इसकी जंग जो हम इसको इसके ऊपर से जंग है उसको कैसे हटाने वाले हैं, उसको जो हमारे पास इनो है तो हमने ये इनो को ले लिया और ये हमारे पास है नींबू, देखो नींबू को जो है ना काट लिया मैंने। और नींबू को काटने के बाद जो है ना इसका पेस्ट बना के फिर इसके ऊपर लगा, नींबू में गाइस कौन सा एसिड होता है आप कमेंट बॉक्स में हमें ही बता दें, वैसा हम आपको बता रहे हैं। गाइस ये नींबू जो है मैंने इसे निचोड़ कर डाल दिया, देखो इसका पेस्ट बना दिया और नींबू में जो है ना गाइस सिट्रिक एसिड होता है। तो गाइस मैं इसको अभी थोड़ा सा ओपन करने की और कोशिश करता हूँ, देखो एक पेज यहाँ पर भी है, देखो ये पेज निकाल लिया है मैंने, इसका छोटा सा पेज निकला है और ये मैंने देखो कुछ इस टाइप से ही निकल गया देखो है। और ये इसका जो है ना देखो एक ये निकली है इसके इसके अंदर ये। अब मैं हम इसको जो है ना इसको मतलब बिल्कुल साफ करने की कोशिश करते हैं, देखो ऐसा हमने मतलब देखा है कि यार इससे जो है इनो से और नींबू से इसके ऊपर से जंग हट जाती है और हम भी कोशिश करते हैं कि इसकी जंग हट पाती है ना।
गाइस मतलब इसमें एक से डेढ़ घंटा हमें लग गया इसको साफ करने में। तो देखो इसकी कंडीशन कुछ इस टाइप से हो चुकी है, ये इसके सारे सामान है। देखो फिलहाल में ये जो ना लगभग न्यू हो चुकी है, देखो पहले कैसी कंडीशन थी इसकी, और आप देख सकते हो आप, देखो कितनी अच्छी से हो रही है। अब हम इसको जो है ना जोड़ते हैं सबको, इनको पूरी पहले इसको अच्छे से कंडीशन में ले आते हैं, जिस कंडीशन में पहले थी इसको पहले उसी में ले आते हैं, जोड़ते हैं हम इसके सारे सामान को। तो सबसे पहले जो है ना हम इसका लगाते हैं, ये थोड़ा इस तरह से लगेगा कुछ इस टाइप से। तो गाइस कुछ ये इस टाइप से जो है ना इस तरह से इसमें लगा हुआ था और मैंने लगा दिया इस तरह से। अब इसका पेज कहाँ है गाइस, ये वाला पेज जो है ना भाई, ये वाला पेज जो था ना ये इसमें लगा हुआ था, मैं इसके इसमें लगा देता हूँ ये वाला पेज, और मैं इसको टाइट भी कर देता हूँ थोड़ा सा। पहले मैं इसको, तो गाइस ये मैंने देखो इसमें इसके अंदर से निकाला था, ये कुछ इस टाइप से, ये देखो ऐसा करके ये इसकी चूड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ रही हैं। अब जो है ना मैं इसको, ये हमने देखो इस तरह से खोला था ना, अब देखो थोड़ा ही अच्छे से वर्क कर रहा होगा, क्योंकि अब इसको कंडीशन जो है ना वो यूज करने लायक हो गई है, लगभग ये उसी कंडीशन में आ गया जिससे कि हम इसको यूज कर सकें। तो गाइस यार थोड़ी थोड़ी रात हो चुकी है, इसे जो है ना साफ करने में काफ़ी टाइम लग गया। देखो ये हमने एक ये वाला पेज जो निकाला था ना यहाँ से, मैं इसको यहीं पर लगा रहा हूँ। तो अब तो इसमें जो ना हम इससे कर दो पेज का, तो हमारे पास यही टाइम लाल में इससे काम हो जाएगा। भाई देखो ये जो है ना अब तो कुछ नहीं रहा इसका, देखो अब जो है ना ये अब पूरे अच्छी तरीके से ना ये हमने पूरा, मैं इसको थोड़ा और साफ कर लूँ अभी। अभी इसके बारे में हम अभी आपसे ना अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। तो गाइस ये जो है ना देखो अब देखो आपको ये कितने मतलब साफ लग रही होगी, देखो कितनी बिल्कुल हमने इसको जो है ना बिल्कुल न्यू कर दिया है, जितनी हमसे साफ हो सकी इतनी हमने साफ की। अब देखो जो है ना ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आ गई, यानी कि इसका हम यूज अब कर सकते हैं। अब मेन बात ये है कि गाइस इसका यूज होता किस लिए है उसका हमें पता नहीं है कुछ भी, इसलिए हमने वीडियो आप मतलब बनाया है ताकि आप लोग कोई भी अगर हो यार कि इसका यूज किस तरह से होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल में देखो ये कुछ इस टाइप का ये एक हैंडल होता है इसमें घुमाने का, ये देखिए ये बड़ा सा पहिया लगा हुआ है, और आगे जो ना यहाँ पर शायद इसका यूज इधर से कहीं से होता होगा, अगर होता होगा तो ऐसे घुमाने से ना देखो ये घूमता है, ये चीज़ घूमती है इस तरह से। देखो कितनी तेज़ से मैं और घुमाता हूँ, और देखो कितनी तेज़ से घूम रहा है अब जो है ना, अब तो ये बहुत अच्छे से घूम रहा है, ये देखिए आप, पहले नहीं घूम रहा था, पहले बहुत ज़्यादा मतलब बेकार कंडीशन में था ये। तो क्या है कि यार हमने सोचा बहुत सारी पुरानी मतलब ये पुराने सामानों में पड़ा था एक, और ये अजीब सा लगा बहुत ही ज़्यादा, तो हमने कभी देखा भी नहीं इस चीज़ से, ये इस टाइप की ये होता क्या चीज़ है। तो बस आपको मैं मतलब फिर बता रहा हूँ कि एक बार आप अगर जानते हो उस चीज़ को तो बताएं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में। बाकी क्या करना है यार वीडियो के लिए, आप इतने समझदार तो खुद भी हो, लाइक और सब्सक्राइब तो यार ज़रूर कर देना चैनल को। ठीक है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।